अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जायका मास्टर। आज हम यहाँ पर मसूर की खड़ी दाल बना रहे हैं, जिसके लिए मसूर दाल को 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करके सोक करके रखें करीब आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पर है ऑनियंस, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिल्ली। मसूर दाल बनाने के लिए एक वेजल में ऑयल को गरम कर लें। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम ऐड करेंगे अनियंस। यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है, 50% ही फ्राई करें। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे हमारे मसाले, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा फ्राइड अनियंस नहीं चाहिए। बस अभी ऐड कर दें मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फ्राई होने दें ताकि उसकी कच्ची स्मेल ना आए। अभी हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, रेड चिल्ली पाउडर, साथ ही नमक। फ्लेम थोड़ा कम करके उसके साथ ऐड करिए हरी मिर्च। मसूर दाल में से पानी ड्रेन करके ऐड कर दें। मसाले और दाल को मिक्स कर देने के बाद पानी ऐड करिए, 1/2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करें हैं यहाँ पर। यहाँ पर दाल बॉईल हो रही है, दाल को ज़्यादा पकने ना दें। अब ऐड करें कोथमीर, इस पर अब लेट लगा के 5 मिनट्स के लिए कुक करें, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। आपकी खड़ी दाल रेडी है। अब एक सर्विंग बाउल में निकाल दें, गार्निश करें कोरिएंडर लीफ से। गर्मा गर्म खड़ी दाल गर्म रोटियों के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।